सिक्स मैन एंड एट वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वेयर एज 26 मैन एंड 48 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 days. व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 वुमेन टू डू द सेम वर्क. तो देखिए पहले कितना है, सिक्स मैन प्लस एट वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन कैन डू सेम वर्क इन 2 days. तो ये 2 1 2 2 5 2 कैंसिल हो गया. 5 × 6 कीजिए कितना हो जाएगा, 5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 × 6 = 30 मैन प्लस 5 × 8 = 40 वुमेन इक्वल टू, यहाँ पे तो सेम होगा उधर तो कुछ नहीं है. अब देखिए 30 मैन है और इधर 26 मैन है, 26 मैन इधर आ जाएगा तो कितना होगा माइनस का 26, 30 − 26 4 मैन इक्वल टू 40 उधर जाएगा तो 48 − 48 8 वुमेन, 4 × 1 = 4 4 × 2 = सो मैन इक्वल्स टू कितना आया 2, वुमेन इक्वल्स कितना है 1. ओके मैन और वुमेन का रेशियो मिल गया, अब इसको रफ कर देते हैं. मैन और वुमेन का कितना रेशियो हम लोग को मिल गया है, तो अभी क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले क्या है, क्या मिला, मैन का रेशियो मिला कितना 2, वुमेन का रेशियो मिला 1. ओके अब करते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 मैन 20 वुमेन कितना दिन में काम करते हैं वो बोल रहा है. तो 15 मैन प्लस 20 वुमेन कितना डेज में काम करता है, तो डी लिख देते इक्वल टू जो पहले वाला इक्वेशन है उसको पुट कर लेते. पहले क्या था, 6 मैन प्लस 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 days. ओके आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दो सेकंड इक्वेशन कोई भी पुट कर सकते थे. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 15 अभी जो m आया है m का जगह में 2 लिख देते. ओके 15 × 2 = 30 लिख लेते. उसके बाद प्लस है प्लस 20 W, 20 तो क्या है मेरा, W तो क्या है मेरा 1 है, तो 30 प्लस 20 एक ही बार में लिखते थे 50 50. और यहाँ पे मेरा क्या है D है इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 × 2 m तो मेरा 2 है, 6 × 2 = 2L. ओके 2L आ गया, 2L प्लस 8 × 1 क्या होगा 8 ही होगा, तो 2L प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरा 20 20 × 10 200. ओके इतना समझ में, अब यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 1 = 5 5 × 4 = 20 सो D इक्वल्स टू 4. ओके ये मेरा आंसर है. ओके थैंक यू.